हेलो पीएससी एस्पिरेंट आपण को शुभ सकाळ जणाउछि एवं आमर ए आजर जो कार्यक्रम अछि पेपर एनालिसिस हाँ तो जे भले आबे आपण बुझि पार्थिबे जे आमर ओपीएससी पीजीट रो जहाँ भी प्रिपरेशन थिला सेटा सरिला एग्जाम मध्ये सरिला आज आम अछंती एटे कोन पेपर एनालिसिस करिया पई तो मु आपणर बहुमूल्य समय को एठे नेऊ नाही यथाशीघ्र आम देखा पेपर को आनालीसीस करने तो क्वेश्चन कौन अच्छे मॉडरेट अच्छे ना इजी अच्छे ना हार्ड अच्छे कंपैरेटिवली कौन अच्छे आम से सब देखा प्रथम क्वेश्चन को सॉल्व करवा आउ बिफोर क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व गोटे कथा कही रखी ये केवल क्वेश्चन आउ आंसर केवल क्वेश्चन आउ आंसर ये कह एक्सप्लेनेशन एंड फर्दर अंडरस्टैंडिंग आम ये जीवानी आमको ए सेसन रु 100 क्वेश्चन रो आंसर विथ क्वेश्चन देखिवार अछि तो आशा करथि बुझि पारथिबे ठीक अछि तो क्वेश्चन एंड आंसर आंसर एंड क्वेश्चन दैट इज आवर टारगेट सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट आपण कोन करिवे आपण जो पेपर अछि पेपर पाखे रखिबे आपण निजे आंसर को देखिबे जहाँ देछन्ति ठीक करछन्ति जहाँ भूल करछन्ति आंसर देखिबे ठीक अछि आशा करथि बुझि पारथिबे एवं मु को आंसर कहउछि दिट जको मैच करय चेष्टा करिवे अकॉर्डिंगली आपण कोन करिवे गोटे कैलकुलेशन लगे पारिबे आउ थरे कहि रखुछि स्टार्टिंग करिया पूर्वरु जे एटा होछ हमर नॉन ऑफिशियल आंसर की बुझौछि ठीक अछि आशा करथि बुझि पारथिबे एवं एथरे जहाँ भी मु आंसर दउछि बेस्ड ऑन द 90% कैन बी करेक्ट बट इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर ओके जो आमर पेपर जे बनैछन बा ओपीएससी पीजीटी बा ओपीएससी जहाँ भी आंसर की देबे सेटा मध्ये डिफरेंट हो पारे मुझे कहबिनि जे संपूर्ण आमर आंसर टा पूरा ठीक हबो हाँ 90% आम ठीक आंसर की मुझे तुमको दे पारि बुझेगा ठीक अच्छे तो आंसर की आमर अप टू 90% ठीक हो किंतु डिपेंड अपन ओपीएससी केतरा आंसर से मध्ये कोन करि परिबे दीड ऑप्शन को दे परिबे केतरा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से तांकर आंसर मध्ये से दे परिबे ठीक अछि बुझि पारलो तो एटा भावनि जे एटा हो फाइनल ना फाइनल ला देबे ओपीएससी आ फर्दर टाइम रे हम मध्ये ताकु डिस्कशन करबा ठीक अछि बुझि पारथिबो आशा करछि ओके तो आगु बढ़िबा एटा हो हमर आजर कोन नॉन ऑफिशियल आंसर की नॉन ऑफिशियल आंसर की ठीक अच्छे तो बिफोर बढ़िया पूर्व कहीदे ये आपणर पॉलिटिकल साइंस रो पेपर सेकेंड बुझेगा तो पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड कह रो पॉलिटिकल साइंस रो जी आगे बढ़िया तो फास्ट क्वेश्चन है आपणर फास्ट क्वेश्चन से पचारे नेशनलिज्म इज ए रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड हु सेड आंसर हूँ आपणर कौन माय मिस्टेक नॉट ए यहाँ आपणर आंसर हम I guess it's not working. Answer आपर कौन हम ना आंसर हम आपर बी हम है ओके तो आंसर हबार कौन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन आंसर हम कौन आप अरविंद घोष ओके आपको फॉरगेट करूँ ऑप्शन ए ना है ऑप्शन ए इज नॉट आंसर आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज हैपन हाँ आपर आंसर कौन है आपर ना ऑप्शन बी नेशनलिज्म इज रिलीजन दैट कम्स फ्रॉम गॉड ऑप्शन बी अरविंद घोष ओवर आंसर ए नोट्रेटा मुझे लिखी है आगे बढ़िया देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला इंडिया इज रिपब्लिक बिकज आर आंसर हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर हूँ प्रेसीडेट इज एन इलेक्टेड हेड अफ द स्टेट है प्रेसीडेट इज एन इलेक्टेड हेड अफ द स्टेट तो दैट्स व्वे इंडिया इज रिपब्लिक क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपणर सेकेंड क्वेश्चन हूँ आंसर कौन ऑप्शन डी अच्छे है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेसियोलोजी से कौन कहते हैं स्टेसियोलोजी इज रिलेटेड टू हार्ट स्टेसियोलोजी रिलेटेड टू हार्ट ना ये पॉलिटिकल पार्टी ओके पॉलिटिकल पार्टी स्टेसियोलोजी द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज स्टेसियोलोजी स्टेटिस्टोलोजी तो कहते स्टेसियोलोजी ओके नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप आर क्वेश्चन नंबर फोर प्रेशर ग्रुप आर ऑप्शन बी सम आर टेम्पोरारी सम आर परमानेंट ओके प्रेशर ग्रुप आर व्हाट सम आर टेम्पोरारी एंड सम आर परमानेंट तो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर हूँ बी है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग बट इट कैन बी डिफर एज पर ओपीएससी सो प्रेशर ग्रुप
होच आपनर समर टेम्पोरारी एंड समर परमानेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज एथिकल रॉन्ग इज पॉलिटिकल नॉट राइट हु सेड इट्स गांधीजी। ओके, गांधीजी कहते एथिकली जहाँ भी रॉन्ग सेटा पॉलिटिकली नॉट राइट। तो क्वेश्चन नंबर फाइव रो आपनर आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होच आपनर क्वेश्चन नंबर फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कस अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन इज साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑप्शन सी कौटल्य। ओके, तो कौटल्य साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स रे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कथा कही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सिक्स बुझे। ठीक अच्छे, आगे बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेवेन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडर। ऑप्शन बी आपनर हम ये कौन गोपाल कृष्ण सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपनर आंसर कौन हम ये आंसर हम गोपाल कृष्ण गोखेल ऑप्शन बी। ओके, क्लास पढ़े नोट लिखाई सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आपनर गोपाल कृष्ण गोखेल। ठीक अच्छे, क्वेश्चन नंबर सात बी बुझे बी हूँ क्वेश्चन नंबर सात। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटल्य अर्थशास्त्र एक्सप्लेन अबाउट डेज टाइप ऑफ स्पाइस। ओके, स्पाई सो एटा हूँ ऑप्शन ए नाइन। ओके, कौटल्य अर्थशास्त्र नाइन स्पाई कथा कही है आठ। क्वेश्चन नंबर एट आंसर हूँ ए। ए हूँ क्वेश्चन नंबर एट पाई। ओके, बुझे एट हूँ क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटल्य हाउ मेनी अंगस द स्टेट हैव। सप्तांग थ्योरी कथा कहते बुझे सप्तांग थ्योरी कथा कहते ऑप्शन आम कहीपर क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्शन हूँ डी। ओके, डी हूँ कौन क्वेश्चन नंबर नाइन पे बुझे तो आशा कर बुझीपारे। क्वेश्चन बहुत इजी थी ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वाज व्हाट। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑप्शन हूँ आंसर हूँ आप समस्त जानते लड्डू क्वेश्चन ऑप्शन सी राजा राममोहन रे है तो सी हूँ कार क्वेश्चन नंबर दस र। ठीक अच्छे, सो क्वेश्चन नंबर दस पे आंसर हूँ आप सी बुझे ब्रह्म समाज राजा राममोहन रे। क्वेश्चन नंबर इलेवेन, क्वेश्चन नंबर इलेवेन, कौटल्य अर्थशास्त्र इज ए ट्रीटीज ऑन। मत ये टिके लगला अड् लगला तो ऑप्शन ए देले से इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड ऑप्शन से सी देले सोशल सिस्टम और फिलोसोफी। तो अर्थशास्त्र में फिलोसोफी कथा कह सोशल सिस्टम कथा कह तो इकोनॉमिक्स आउ ट्रेड ए आउ डी सॉरी ए आउ आपर सी हेबार ये संभावना अच्छे। कौन अच्छे सार आप ए आउ सी हेबार ये संभावना अच्छे। क्वेश्चन नंबर इलेवेन आंसर ए आउ सी हेबार संभावना अच्छे। देखिए ओपीएससी पीजीटी कौन दौरान आपको स्टार मार्क कर देखिए मतलब डाउट लगेगा बुझे। ओके, आशा कर बुझीपारे क्वेश्चन नंबर इलेवेन टाक स्टार करदे आम देन आगू बढ़िया आगू बढ़िया। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर बार क्वेश्चन नंबर एगार पर क्वेश्चन नंबर बार। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन नंबर बार से कौन कहले तो नंबर ऑफ टाइम्स दैट द टर्म कैबिनेट इज यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तार आंसर कौन आप। ठीक अच्छे, आंसर हम आप कौन ऑप्शन सी हम है तो ऑप्शन सी हूँ क्वेश्चन नंबर बार पे गोटे थर ही केवल केवल ही वन टाइम आम कैबिनेट शब्द को यूज कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, क्वेश्चन नंबर बार आंसर हूँ आप सी है बुझिपारे सी हूँ कार क्वेश्चन नंबर बार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ह्विच अमंग द क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन ह्विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट स्कोप रे कोट आसी ऑप्शन ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल बिहेवियर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ द एबव। सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर हूँ कौन ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक अच्छे, बुझे ना क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर हूँ ऑप्शन डी। ठीक अच्छे, डी हूँ कौन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पाई। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए देले पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो आपनर आंसर हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑप्शन सी। ओके, बुझे तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑप्शन सी। ओके, तो समस्त देखिए ऑप्शन सी हूँ आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे बुझे तो यहाँ है आपनर आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपनर ना ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। को स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपनर ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आंसर हम इट इज नॉट ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर्स। तो आपनर जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे इट्स नॉट ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेचर बुझेगा तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कौटा ना ब्रिटेन नुहे बुझेगा। तो आगे बढ़िया क्वेश्चन नंबर
फिफ्टीन रनसर हूँ डी डी क्या क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ओके ठीक अच्छे आगे बढ़िया देन ह्विच वन अफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर आपंकर कौन एटा सिक्सटीन ह्विच वन अफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी प्रिंसिपल हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आंसर हूँ आप कौन हाउस अफ लर्ड्स ओके सो हाउस अफ लर्ड्स तो हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम हाउस अफ लर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटन आंसर हूँ आप कौन ना ऑप्शन बी हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्सटन समस्त ये देखिए है चेक करेंगे आशा करती बुझीपारे हाँ ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटन आंसर हूँ बी हाउस अफ लर्ड्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन ह्विच अफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एथर कौटा करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन आंसर हाँ आप द किंग इन ब्रिटेन रीजन तो किंग इन ब्रिटेन रीजन ओके सो आपर क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन आंसर बी हम बुझेगा तो बी हूँ कह क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन ठीक अच्छे समस्त चेक करेंगे द बी हूँ कौन क्वेश्चन नंबर सेवेन्टीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन बहुत सहज क्वेश्चन ये आप द टर्म सेपरेशन ऑफ पावर रेफर टू द सेपरेशन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे आर व्हाट तो आपर क्वेश्चन नंबर एटीन पचार से द आंसर हम लेजिस्लेटिव एजुकेटिव एंड जुडिशियरी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एटीन पर ऑप्शन ए बुझेगा ठीक अच्छे तो आपर ए हूँ कौन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन आंसर कौन ऑप्शन ए ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट बढ़िया आम से पचारे ह्विच अफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर नाइंटीन ह्विच अफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द सिस्टम अफ चेक एंड बैलेंस इन यूएसए गवर्नमेंट मेक् स्योर दैट ऑप्शन ए नो ब्रांच अफ गवर्नमेंट बिकेम टू पावरफुल तो चेक एंड बैलेंस रोटे प्रिंसिपल है कौन ना नो ब्रांच अफ गवर्नमेंट बिकेम टू पावरफुल बैलेंस एंड चेक मेंटेन द चेक मेंटेन द बैलेंस एंड पुट द चेक तो क्वेश्चन नंबर नाइंटीन आंसर हूँ ऑप्शन ए ओके ओके बुझेगा ना ऑप्शन ए हूँ आप कौन ना क्वेश्चन नंबर नाइंटीन आंसर है तो यटा को देखिए प्रथम ठीक अच्छे आगे बढ़वि देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से कहे ह्विच अफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू स्टेट टू व्हाट मेक ट्रीटी क्रिएट आर्मी प्रोवाइड स्कूलिंग एंड एजुकेशन से कहे कौन माइंड मनी ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके बुझेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन स्टेट को प्रोवाइड करे स्कूलिंग और एजुकेशन देवाई ऑब्वियसली आम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए ठीक अच्छे बुझिपारे तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर कोड़े आंसर सी ओके बुझिपारे ठीक अच्छे तो सी हूँ क्या ना कोड़े नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा से कहे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द पावर टू वीटो द बिल रेस्ट विथ व्हाट तो यूएस रे जो वीटो पावर क्या पाखे अच्छे समस्त जानते ये जगजाहिर क्वेश्चन है आपको आम कह जगजाहिर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मत तो पेपर देख लु लगला कौन पेपर बनई ओपीसी ओपीसी कौन ओपीसी लेवल पेपर कहीं अच्छी अच्छी अच्छे सार अच्छे आपट करते देखिए आगे भल भल क्वेश्चन अच्छे है तो ऑप्शन कौन हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हूँ क्वेश्चन सी फॉर ट्वेंटी वन क्वेश्चन ओके बुझेगा आपको समस्त टी देखिए कौन आंसर कर प्रेसीडेट हम प्रेसीडेट पाखे वीटो पावर अच्छी यूएसए है तो क्वेश्चन ट्वेंटी वन ऑप्शन सी सी हूँ कौन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बुझेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सी देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द टर्म ऑफ इलेक्टेड सीनेटर इन यूएसए कांग्रेस फोर इयर्स ओके इयर्स फोर इयर्स यूएसए जो आपर अपर हाउस सीनेटर अच्छे ठीक अच्छे कांग्रेस जो सीनेटर अच्छी कौटे यूएसए रे तो टर्म हूँ कैसे फोर इयर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आंसर हूँ आपर ऑप्शन बी बुझेगा नाइ क्वेश्चन नंबर सॉरी बी हूँ कार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया देन क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द नंबर ऑफ जज इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट इज के आपर नाइन ओके बुझे यहाँ प्रथम बुझे यहाँ प्रथम नाइन आम जज अच्छा कौटे यूएसए सुप्रीम कोर्ट रे ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आंसर है आप बी देखु कौन आप मार्क करसर बुझेगा तो ऑप्शन बी हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड द प्लुराल एजुकेटिव इज कॉन्स्टिट्यूट बाय प्लुराल एजुकेटिव जोटा कि सेवेन मेंबर ठीक अच्छे सो आंसर हम कौन सी फेडराल आसेंबली सो ऑप्शन सी कार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड प्लुराल एजुकेटिव कॉन्स्टिट्यूट बाय कौन द फेडराल आसेंबली कौन करे प्लुराल एजुकेटिव एक्जिक्यूटिव को कौन करते प्रस्तुत करते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी हूँ क्वेश्चन नंबर
24 ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड ऑफ 1848 व्हाट सो 1848 स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन कौन ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन तो 1848 रे सेटा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थिला ठीक अच्छे बुझेला ना तो क्वेश्चन नंबर 25 रो ए होची आंसर तो ए कर ना 25 पे ठीक अच्छे देखो आंसर कौन देछन आपण ओके ठीक अच्छे तो आशा करती बुझी पड़ती हाँ तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए देन क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस फंक्शनल इन स्विट्जरलैंड तो आंसर आपनर ऑप्शन डी हाँ बुझे तो डी क्वेश्चन नंबर 26 ओके बुझी पड़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन पीपुल्स रिपब्लिक चाइना ओके क्वेश्चन नंबर 27 द आंसर होची बी जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी आपनर चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी जनरल सेक्रेटरी अछंती से होचंत कोन ना हाईएस्ट आपण कहि परबा रैंकिंग ऑफिसर इन पीपुल्स रिपब्लिक चाइना क्वेश्चन नंबर 27 बी ओके ओके बुझेला तो बी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 देन क्वेश्चन नंबर 28 अकॉर्डिंग टू चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट इज अकाउंटेबल टू व्हाट द ऑप्शन है नेशनल पीपुल कांग्रेस एनपीसी हम शॉर्टकट रे कहउचंती ओके ठीक अछि तो ऑप्शन ए हला आपनर कोन क्वेश्चन नंबर 28 ओके ओके आशा करथि बुझि परथिबे 28 क्वेश्चन एंड ऑप्शन ए देन नेक्स्ट 29 द टर्म स्टेट काउंसिल द टर्म ऑफ स्टेट काउंसिल इन चाइना केते आपनर आसीबो 5 इयर्स ओके तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी आशा करथिबे बुझि परथिबे ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29 एंड ऑप्शन सी ओके स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना 5 इयर्स देन क्वेश्चन नंबर 30 इन चाइना द जजेस आर अपॉइंटेड बाय सो चाइना जजेस आर अपॉइंटेड बाय कौन ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ओके ऑप्शन ए प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर 30 ओके क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन 30 ऑप्शन ए प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन फॉर्मड इट्स मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन दिस इन द ईयर ओके लेबर पार्टी इन ब्रिटेन फॉर्म द मेजॉरिटी गवर्नमेंट के ईयर ओके ऑप्शन ए 1925 ओके सो 1925 सो 24 रे आपन इलेक्शन हेला 25 से माने गवर्नमेंट क्रिएट करथिले ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए 25 बुझिबले तो ए होच आपनर क्वेश्चन नंबर 31 तो एटी जति बडे क्वेश्चन आसीले ए क्वेश्चन से काहे कि पचाले वर्तमान आपनर जो इलेक्शन हेला 2024 रे आपनर यूके रे ओके यूनाइटेड किंगडम रे सेथिरे कोन हेला आपनर केयर स्टेमर प्राइम मिनिस्टर भाबे दायित्व ग्रहण करले से होजु लेबर पार्टी रे आउ आपनर एग्जामिनर कोन करले डायरेक्ट कथा न पचारि कि जहा भी करंट रे अछि बुझा पड़ला ना जहाँ भी करेन्ट रे न्यूज रे अच्छी बुझा पड़ा तार हिस्टोरिकल आनालीसीस कर क्वेश्चन पचारदे जोटा कि कहे लेबर पार्टी ब्रिटेन रे फॉर्म कर मेजोरीटी गवर्नमेंट क्यों वर्ष कर बुझा पड़ा ना तो ऑप्शन ए कौन है 1925 क्वेश्चन नंबर 31 आंसर कौन है ना ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टी सिंबल्स ऑफ द यूएसए आर आपणकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स ओके तो भल क्वेश्चन एटा तो क्वेश्चन नंबर 32 होला आपणर कोन ऑप्शन बी डंकी आ एलिफेंट ओके ऑप्शन बी सो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 32 डंकी आ एलिफेंट डेमोक्रेट रहउची डंकी आ एलिफेंट होची रिपब्लिकन्स ओके बुझे पड़ला तो सेमती आपण वर्तमान एबे कोन करिवे लेबर पार्टी आ आपणकर कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके रे अछि तार पार्टी सिंबल मन रखिबे ठीक अछि वर्तमान एबे देखिबे यूएसए रे इलेक्शन हवा जाउची एवं से इलेक्शन रे किए विन करउची तापर तार हिस्टोरिकल एनालिसिस करिवे आपण ए जिनटा करिवार अछि ठीक अछि बुझा पड़थु म आशा करथिबी तो क्वेश्चन नंबर 32 रे आंसर हला कोन ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट क्वेश्चन से कहले 33 क्वेश्चन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ व्हाट कंजर्वेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑप्शन आपनर सी द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ओके कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्वेश्चन नंबर 33 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डज द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को की भाव हबे हम रीड करू ना ऑप्शन सी पॉलिटिकल सोशल मोरल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ चाइना ओके ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी आपको टिके हम चेक करबा मध्ये मते टिके डाउट अछि तो क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी बुझा पड़ला ठीक अछि ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर सो ऑप्शन सी एंड क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑफिशियली ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन इन चाइना ऑप्शन ए
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना 1954. सो 1954 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना द पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन. ओके ओके ओके. सो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 35. आगे बढ़िया, बहुत बढ़िया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. द फॉर्मर ओडिशा स्टेट नेम वाज ऑफिशियली चेंज्ड टू ओडिशा स्टेट इन द ईयर ऑप्शन डी 2011. सो 2011 रे आपणर केते संविधान संशोधन 97. ओके ना 97. ओके 97 के चेक करिवे. सो 2011 रे आपणर कौन ऑफिशियल जो फॉर्मर ओडिशा स्टेट अच्छे नाँटा कौन होता चेंज होता बुझा पड़ी नोट्रे संपूर्ण भाव में लिखा जाइए. क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 बुझा पड़ा. तो डी है कार ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 37 में. तापर से पचारे क्वेश्चन नंबर 38 भुवनेश्वर रिप्लेस कटक एज ए कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा ऑन केते. सो केबे भुवनेश्वर को आमर चेंज करागला एज ए कैपिटल सिटी. ओके कटक रु भुवनेश्वर केबे हला. तो ऑप्शन है आपन रहला 1949 अगस्त 19 रे. ओके ओके. सो ठीक अछि तो अगस्त आपन 1949 रे आकु करागला. ओके क्वेश्चन नंबर 38. देन क्वेश्चन नंबर 39 ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट साइनड द डॉक्यूमेंट टू जॉइन ओडिशा वाज केते. तो इंडिपेंडेंस डे रे केते प्रिंसली स्टेट जॉइन करथिले ना ओडिशा साइन करथिले ओडिशा एवं ओडिशा गठन पाए. तो आंसर है आप 27 बुझेगा. ओके सो क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन होची डी. ओके ओके. देन क्वेश्चन नंबर 40 नवीन पटनायक इज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा स्टेट सिंस द ईयर ऑप्शन सी 2000. सो ऑप्शन सी 2000 क्वेश्चन नंबर 40 ठीक अच्छे. तो ऑप्शन सी है आप कौन क्वेश्चन नंबर 40 पाए. ओके ओके. देन क्वेश्चन नंबर 41 द ओडिशा स्टेट हैव ऑप्शन बी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन. आमर ये कौन अच्छे यूनिकैमरल अच्छे बाइकैमरल ना बाइकैमरल केवल 5 स्टेट अच्छी भारत से गुड़ाक मुझे ठीक अच्छे ठीक अच्छे. तो क्वेश्चन नंबर 41 रो ऑप्शन होची कौन बी. ओके ओके. सो बी क्वेश्चन नंबर 41. ओके ओके. देन क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर्स. सो ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट. देन ऑप्शन टू द एजुकेटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. सो ऑप्शन 1 एंड 2 ऑप्शन डी. ओके ओके. सो आपनर क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन डी. ओके सो एमती मन रखिबे तो चेक करेंगे ऑप्शन डी होची आपनर क्वेश्चन नंबर 42. देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द लाइक ओडिशा स्टेट हैज तो 314 ब्लॉक ऑप्शन ए ट्रिक अच्छी देखो 314 ब्लॉक कोड अच्छी ऑप्शन ए रही तो ऑप्शन ए आपनर हो गला आंसर हैला ठीक अच्छे. तो 314 ब्लॉक 58 सब डिविजन 317 तहसील. ओके ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा हैव द पावर टू इश्यू रीट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन ए आर्टिकल 226 ठीक अच्छे ठीक अच्छे. ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 44 ठीक अच्छे बुझा पड़ी. तो 44 पे ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट इलेक्शन पिटिशन रिगार्डिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर हाई कोर्ट स्टेट इलेक्शन कमिशनर. ऑप्शन 1 एंड 2 तो ऑप्शन आपनर कोड है ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए. ओके ओके ठीक अच्छे. ओके ओके. सो क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए ठीक अच्छे बुझा पड़ा. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 46 द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इन स्टेट ऑफ ओडिशा वाज फॉर्मड इन. तो ऑप्शन सी मे 1959 द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट इन ओडिशा. सो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन सी ठीक अच्छे ठीक अच्छे. सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 46. ओके आशा करती बुझा पड़ती हाँ हाँ. देन क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू ओडिशा असेंबली इलेक्शन. ओके ओडिशा असेंबली इलेक्शन. ओके द ऑप्शन 1 इन 2019 इलेक्शन द बीजेडी पार्टी ओन 112 सीट्स. ओके ओके 112 सीट्स. देन ऑप्शन 2 2024 इलेक्शन ऑफ द बीजेडी सिक्योर 39.02 वोट्स से. देन ऑप्शन 3 इन 2024 इलेक्शन द बीजेपी गॉट 40.07% वोट्स से. देन ऑप्शन 4 इन 2024 इलेक्शन बीजेडी ओन 51 सीट्स. तो आपनर आंसर कौन हम ये ना आप ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिंतु बाकी रहा ऑप्शन 1 3 एंड 4 ऑप्शन ए
सो क्वेश्चन नंबर 47 आंसर ए। ओके ओके ए हूँ कार क्वेश्चन नंबर 47 पे। ठीक अच्छे ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन उड़ीसा वाज क्रिएटेड। ओके ओके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा वाज क्रिएटेड ऑन व्हाट द ऑप्शन कौन हम बी जुलाई 1990 तो 1990 जुलाई आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन उड़ीसा क्रिएट होता। ओके ओके बुझा पड़ा ना ना तो ऑप्शन बी जुलाई 1990। ओके ऑप्शन बी हो क्वेश्चन नंबर 48 देन क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ओके ओके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान करेक्ट को स्टेटमेंट। ओके तो प्रोग्राम इज मीट फॉर द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पंचायत राज। देन ऑप्शन टू अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया। ऑप्शन थ्री टू प्रोवाइड क्लीन पाइप ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल विलेज। ऑप्शन फोर द सेंट्रल स्टेट स्टेट्स फॉर द दिस प्रोग्राम इज 40 or 60 तो आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 49 आंसर कौन हम तो क्वेश्चन नंबर 49 रो आंसर चेक करनी मुझे कह ठीक हेनी नेक्स्ट क्लास रे कहीदेवि। ठीक अच्छे बुझला ना ना ठीक अच्छे आगू बढ़िया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 द नोडल एजेंसी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस ओडिशा स्टेट इज व्हाट। ऑप्शन ए ओडिशा वाटर सप्लाई एंड सेवेज बोर्ड। ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ए आगू जीवा तो क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ए। वर्तमान सुधा आम कौन कले 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दे। ठीक अच्छे ना ना तो 50 क्वेश्चन बर्तमान आम सॉल्व कर दे आ 50 क्वेश्चन अच्छे। ओके पेपर सेकंड पे तो क्वेश्चन नंबर 51 द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ओडिशा स्टेट आ ऑप्शन सी 24 एंड 33। ओके ओके सो 24 एंड 33 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। देन 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ओडिशा ऑप्शन बी चित्रकुंड। ओके चित्रकुंड 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओडिशा ऑप्शन बी। ओके ठीक अच्छे बुझला ना तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 52। ओके देन 53 द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन भुवनेश्वर इज कॉल्ड व्हाट जनता सचिवालय। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड कॉमन सेंस 53 ऑप्शन सी। ओके ठीक अच्छे ना ना ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 53। देन चेयरमैन ऑफ नीति आयोग बहुत टाइम आम डिस्कशन कर क्वेश्चन को प्राइम मिनिस्टर। ओके ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। ओके ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन द ईयर इन व्हिच द यूनियन गवर्नमेंट स्क्रैप द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया केबे तो प्लानिंग कमिशन को यूनियन गवर्नमेंट केबे स्क्रैप करले कौन हम आंसर ऑप्शन सी 2014। ओके ओके बुझला ना ना तो ऑप्शन सी हो क्वेश्चन नंबर 55 रो। ओके ठीक अच्छे ठीक अच्छे देन 56 द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टाब्लीश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायत तो लोकायत प्रथम क्यों स्टेट रही ऑप्शन हूँ आप महाराष्ट्र। ओके ओके तो महाराष्ट्र जैक नोट देखते नोट संपूर्ण भाव लिखा जाइए महाराष्ट्र मुझे नोट प्रोवाइड करेंट एफेयर पीडीएफ नाम हूँ करेंट एफेयर है तो 56 रो आंसर हूँ ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ओके बी हूँ 56 आंसर महाराष्ट्र लोकायत। ओके ठीक अच्छे ना बुझलानी तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 56 57 इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट सोशल सेटिंग टू व्हिच एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स ऑप्शन सी 57 रो आंसर हूँ ऑप्शन सी 57 आंसर। देन नेक्स्ट 59 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट चेंज ओरिएंटेड बहुत समय में डिस्कशन कर चेंज ओरिएंटेड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 59 60 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ऑप्शन बी 60। ओके क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी। ओके ओके बुझला ना ना तो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 60। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट द एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस इज आर व्हाट द कॉस्ट रिडक्शन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके ठीक अच्छे ना बुझलें ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 61। देन स्मार्ट गवर्नेंस ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 62 स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल मोरल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सॉरी माय मिस्टेक एडेसी हबनी कौन हम आंसर आपर ना सिंपल मोरल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट यस ऑप्शन सी मुझे कन्फ्यूज हो गले। ओके ऑप्शन सी ठीक अच्छे ना बुझलें सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 62। देन नेक्स्ट
63 ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी 63 रो आंसर होची ऑप्शन डी ओके ओके ठीक अछि तो ऑप्शन डी आपनरो 63 क्वेश्चन देन 64 द नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया आर व्हाट 12 ओके ऑप्शन डी सो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर होची ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी होची क्वेश्चन नंबर 64 जो 5 ईयर प्लान हेछि हमर 12 टा 5 ईयर प्लान हेतिला इंडिया ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर होची ऑप्शन डी ठीक अछि आशा करते बुझीपारे ओके देन क्वेश्चन नंबर 65 एडमिनिस्ट्रेशन लैग मीन्स व्हाट रेड टैपिज्म ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन लैग मीन्स व्हाट कौन रेड टैपिज्म ओके ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 65 देन क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी ऑप्शन डी आर्टिकल 243 ZED डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन डी बुझीला ना नहीं माने एटा आंसर कौन डी होच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड टू फंक्शन फास्ट विद द रिमूवल ऑफ डेस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी मोर आंसर कहि परबिनि क्वेश्चन मते ठीक लागलन कौन क्वेश्चन पचार छ मते जानि पाउनि देखिबा कौन आंसर अछि यार पारे क्वेश्चन नंबर 68 ठीक अछि बुझेला क्वेश्चन नंबर 67 आपण स्टार मार्क कर दियंतु आमे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा किंबा आंसर कि कोन को देखिबा तापर क्वेश्चन नंबर 68 देखिबा आमे ठीक अछि 68 द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज बोरोड फ्रॉम डेस कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सळ से पचरा चाहौ छथि जो आपनकर राज्यसभा इलेक्शन होउची से इलेक्शन प्रोसेस टा आमे कोड हान छथि ना ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका ठीक अछि तो ऑप्शन आपनर साउथ अफ्रीका राज्यसभा इलेक्शन 68 रो आंसर होउची ऑप्शन बी ना बुझले ऑप्शन बी होउची क्वेश्चन नंबर 68 रो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल डेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 69 रो ऑप्शन डी होउची क्वेश्चन नंबर 69 ठीक अछि तबर नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ईयर 2022 वाज डेज तो आंसर कौन हम आप 700 ऑप्शन ए 700 ठीक अच्छे ना ना तो आपर ए है क्वेश्चन नंबर 70 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 71 हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक हु डाइड व्हाइल ही वाज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो से पचार किए भारत द्वितीय सभापति जीकि ना प्रेसिडेंट भाव दायित्व ग्रहण समय देहांत होता से ऑप्शन कौन हम ना फकीरुद्दीन अली अहमद ओके फकीरुद्दीन अली अहमद सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन सी ठीक अच्छे ना नहीं सो सी हूँ आपंकर क्वेश्चन नंबर 71 पर नेक्स्ट क्वेश्चन 72 द नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा फ्रॉम ओडिशा स्टेट केते वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन बी 10 द नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा फ्रॉम ओडिशा स्टेट सो ऑप्शन बी 10 ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 72 बुझला ना नहीं तो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 टू गेट फॉर्मल रिकॉग्निशन एज ऑपोजिशन पार्टी इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द कंसर्न पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑप्शन कौन ऑप्शन आपनर सी हबो 10 कौन हबो ऑप्शन सी हबो आपनर 10 मु एटा पढै छी क्लास रे डायरेक्ट नोट रे लिखा जाय छी आपन पार्लियामेंट पीडीएफ जे देखंतु ऑल अबाउट पार्लियामेंट सेट पढै छी हला तो 73 रो आंसर आपनर कौन सी सी होची क्वेश्चन नंबर 73 बुझिला ना नाही तो सी फॉर क्वेश्चन नंबर 73 देन क्वेश्चन नंबर 75 द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर 75 ऑप्शन ए बुझिला ना नाही ऑप्शन ए होची 75 76 द ईयर इन व्हिच नन ऑफ द अबव नोटा वाज एडेड एज एन ऑप्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कौन आउट आपण आंसर ऑप्शन बी 2014 फर्स्ट टाइम केबे हिला 82 रे किंतु नोटा ऐड हला हमर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रे 2014 रे बुझला ना नै तो ऑप्शन बी होची क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग इन जनरल इलेक्शन तो आपणर पीपल इन प्रिवेंशन डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन यूज पोस्टल बैलेट माने पोस्ट माध्यम रे से माने वोट करि परिबे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आमर जे माने अछंदी ता अंडर रे हला तांगु जेल रे रखा जाई छि प्रिवेंटिव करी तो सेकंड होउछ आपनर प्रिजनर आर नॉट अलाउड टू वोट सत कथा प्रिजनर को अलाउ करा जाय नै वोट दे पाए तो क्वेश्चन नंबर 77 रो आंसर होउछ ऑप्शन सी सी होउछ कोन ओके 77
ठीक अच्छे ना ना तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। द पावर ऑफ लोकसभा आर इक्वल विथ राज्यसभा इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट? पैसिंग ए बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पैसिंग ए नॉन मनी बिल, गिविंग फॉर्मल रेटिफिकेशन ऑफ मनी बिल, इनिशिएटिंग ए मूव फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इक्वल पावर लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए पैसिंग ए बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 78 बुझला ना नाई ए हो क्वेश्चन नंबर 78। ओके देन क्वेश्चन नंबर 79। इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंक्लूडेड? ऑप्शन कौन हम ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी बुझला ना नाई डी हो क्वेश्चन नंबर 79 पे डायरेक्ट क्लास पढ़े नोट रू डायरेक्ट आटा मुझे कहपर श्योर। देन क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 80 से कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया करेक्ट पचारुचंदी आपनर ऑप्शन सी हम टू इज करेक्ट बट फर्स्ट इज नॉट सॉरी माय मिस्टेक बोथ आर इनकरेक्ट। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रु आपनर उच्छेद कर नॉट 42 बट 42 तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। तापर राइट टू प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 300A ना राइट टू प्रॉपर्टी इज ए नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सांविधानिक अधिकार जोटा कि आर्टिकल 300A लिखाई नॉट ए ह्यूमन राइट्स बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज आंसर क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन डी इज आंसर बुझला ना नाई डी हूँ ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 80। देन 81 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिराइव्ड फ्रॉम डच कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजी क्वेश्चन ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन सी क्वेश्चन नंबर 81। देन क्वेश्चन नंबर 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल गवर्नमेंट? ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ना आमर फ्लेक्सिबल नुहे आमर होची फ्लेक्सिबल आउ रिजिडिटी बोथ। ओके बोथ सो ऑप्शन बी। ओके बुझला ना नाई ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 82। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ठीक। ऑप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सो बोथ आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन हो बी बोथ आर करेक्ट। ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 83। देन 84 क्वेश्चन नंबर 84 द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस एंड फोर सीनियर जज। ओके ऑप्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 84। ओके कॉलेजियम सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 84 आम पाखापाखि आसिले पाखापाखि पढ़ आसिले। ओके 84 आपनर होला तापर 85 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? ऑप्शन वन सॉरी माय मिस्टेक ऑप्शन डी दैट व्हेन द लेजिस्लेचर फेल टू डिस्चार्ज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके तो ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 85 बुझला ना नाई क्वेश्चन नंबर 85 एंड ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? ओके क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन सी गोलकनाथ केस डायरेक्ट आमर पीडीएफ रु आसी क्वेश्चन। ओके यहाँ मुझे कहीपरि सो ऑप्शन सी गोलकनाथ केस रे कौन कहला सुप्रीम कोर्ट फेल्ड द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 86 एंड ऑप्शन सी इज आंसर बुझला ना नाई ऑप्शन सी हूँ क्वेश्चन नंबर 86। देन 87 द डॉक्ट्रिन ऑफ डायनोसिज्म इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? To be honest, I don't know the answer of this question, and I also explore regarding this question, but I unable to get any answer. Okay, so 87 को star mark कर दियो, देखिबा answer कौन परवर्ती समय रे। Okay, next question देखिबा 88. Now, which directive principle of state policy in Indian Constitution related to secularism? That is uniform civil code, Article 44. Okay. क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 89 बुझला ना नाई सो डी ऑप्शन एंड क्वेश्चन नंबर 89। देन क्वेश्चन नंबर 90 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट इन इंडिया? सो आपनर कौन हम ऑप्शन डी हम फास्ट करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट। द अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 1955 वाज अ लैंडमार्क दैट ट्रांसफर द फेस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया यस एटा करेक्ट किंतु आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबोल्यूशन ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया नो इट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन वन हूँ आर आंसर तो ऑप्शन डी हूँ आंसर क्वेश्चन नंबर 90। देन क्वेश्चन नंबर 91 कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ डेस गवर्नमेंट?
ऑप्शन बी पार्लियामेंटरी ओके तो बी पार्लियामेंटरी 91 क्वेश्चन पे आंसर होउछ ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी बुझला ना नहीं तो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 91 कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी देन क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक वंदे भारत वाज डेज इन एक्शन पैट्रियटिज्म नेशनलिज्म स्वदेश और सेल्फ रिस्पेक्ट सो इट आपन कौन हो आंसर नेशनलिज्म ओके ऑप्शन बी 92 देन नेक्स्ट क्वेश्चंस 93 अकॉर्डिंग टू गांधीजी व्हिच टू आर द इमेज ऑफ ट्रुथ तो पीज एंड नॉन वायलेंस ओके पीज एंड नॉन वायलेंस ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन बी बी हो क्वेश्चन नंबर कौन 93 देन क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गांधीजी ही अपोज साइकोलॉजिकल ही स्पॉन्सर्ड साइकोलॉजिकल अप्रोच येस करेक्ट ही अपोज कैपिटलिज्म येस करेक्ट ही फेवर्ड लेबर सेविंग डिवाइस एंड ही अपोज अर्बनाइजेशन ऑप्शन सी हो आंसर ओके ओके सो सी क्वेश्चन नंबर 94 ठीक अच्छे देन 95 बाल गंगाधर तिलक वाज एक्लेम्ड एज ए लोकमान्य फॉर हिज सर्विस एज व्हाट पॉलिटिकल रिफॉर्मर ओके ओके ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी है आपनर आंसर ओके बुझला ना नहीं ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 95 96 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अपोज टू व्हाट एब्सोल्यूटिज्म ओके एब्सोल्यूटिज्म ओके तो आंसर आपनर ए ओके क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑप्शन ए फैक्ट फ्री पॉलिटिकल थ्योरी नो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एसोसिएट विथ एम्पिरिकल एनालिसिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ द बिहेवियरल स्कूल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टॉक्स अबाउट फैक्ट बेस्ड स्टडी ओके सो इट इज ए फैक्ट बेस्ड नॉट फैक्ट फ्री दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आंसर द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो क्वेश्चन नंबर 97 एंड ऑप्शन ए आंसर इज आंसर देन क्वेश्चन नंबर 98 वन पर्सन ए गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट वाज मेड पॉसिबल थ्रू डेज अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी 7 ओके डायरेक्ट फ्रॉम आवर नोट ओके 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 ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 98 देन क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट to dissolve the state legislative assembly to prorogue the state legislative assembly sending back the bill passed by state legislature for reconsideration convene the both house of the state legislature to apnar answer kon hobo ithe na answer hobo kon hobo option c hobo okay option c aw a bhitre tike mate conclude lagu je check kar debo to eta memory re kahuchi 99 question then 100 question the jurisdiction okay प्रोनाउंसिएशन भूल हो जाए द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन ओडिशा स्टेट मे बी एक्सटेंडेड बाय ऑप्शन बी पार्लियामेंट बाय लॉ तो पार्लियामेंट हैज ए पावर टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ हाई कोर्ट्स और फॉर दैट मैटर टू एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट द पार्लियामेंट बाय लॉ ओके तो ऑप्शन बी एट आंसर तो आई होप मु आशा करूछि आपण ए 100टा क्वेश्चन रु मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करथिबे ओके एवं क्वेश्चन कहीपरि ना ये टी आप इजी टू मॉडरेट आसो है तो कतरे क्वेश्चन टी कन्फ्यूजन अच्छे कि पाखापाखि क्वेश्चन मानने डुएबल मो मत डुएबल है तो केते कौन आंसर करते ठीक अच्छे केते भूल अच्छी बर्तमान संपूर्ण पाखे आप डाटा बर्तमान अच्छी आपको मैच कर दिंतु आहा भी आपर कौन से क्वेश्चन डाउट अच्छे डाउटफुल क्वेश्चन जब आप लगला मतलब सेंड करूँ जिते आपर ओपीएससी मैंने अलाउ कर आंसर की चैलेंज पाई आम से समय कौन करवा चैलेंज कर मत तो सेम लगानी क्वेश्चन कौन आप अच्छी कौन हार्ड बा इजी कौल तो ये पेपरटा ठीक अच्छे नेक्स्ट पेपर टाइम देखा कौन के अच्छी आम गोटे कैलकुलेशन करवा के कट अफ कौन आसब है कि बर्तमान कौन कर मैच कर दि के कौन स्कोर हो कौन नहीं आ गए कथा एग्जाम जब भल है कि स्कोर कमुची कौन सी माने आपण भय होबार आवश्यक ना कारण ये समस्त देखते माइनस मार्किंग अच्छी तो टिके कंपिटिशन अच्छी तो असुविधा ना तो वेट करूँ आंसर की कौन हो कौन ना तत्संगे संगे आपण गोटे काम करूँ कौन ना तीन टा पेपर को कैलकुलेशन करूँ को पेपर के देखु तापर एग्रीगेट देखा के कटअप कहबी आ सबकि देखा ओके तो यहीटा हूँ आज वीडियो जोड़ा कि आम 100 क्वेश्चन डिस्कसन कले तो पार्ट वन है पार्ट टू में 100 क्वेश्चन डिस्कसन करवा है बुझा उठे ना ना तो आशा करूँ आपन को भल लगे
ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ 40 ଆସିଛି ନାହିଁ, 40% କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ, ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦରକାର ଆମ ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆକୁ ବୁଝିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ସର୍, ଅନ୍ଅଫିସିଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।